दोस्तों साइकिल अब पार्किंग में लगा दी है। अब इससे आगे का रास्ता ट्रैक करके यानी कि पैदल तय होगा और लगभग 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है श्री केदारनाथ धाम के लिए। और इस सफ़र में ये सबका सपना होता है तो इसको पूरा प्रॉपरली अच्छे से सूट करेंगे। पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालुओं की भीड़, सब बाबा के दर्शन करने अलग अलग जगह से आए हैं, बड़े बच्चे बूढ़े। सबको बाबा ने बुलाया है। ये इस तरह का रास्ता है, कोई खिच्चर से जा रहा है, कोई घोड़े से, या कि जैसे कि पालकी से। पाँच किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और रास्ता ऐसा है, चढ़ाई है काफ़ी। बाकी आगे थोड़ा रास्ता चौड़ा हो गया जिससे भीड़ कम है। ये देखिए कैसे नौजवान घोड़े जा रहे हैं। तेज बारिश आ गई है, सबने अपने रेनकोट निकाल दिए। बारिश रुक गई है, फिर से यात्रा स्टार्ट हो गई। बीच बीच में मौसम खराब हो जाता है, बारिश आ जाती है फिर रुक जाती है। ये देखिए रास्ते और उधर कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है रास्ता, वहाँ ऊपर जाना है। कुछ श्रद्धालु शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं और जैसे ये रास्ता 50-100 मीटर के लिए पत्थर में जान जोखिम में डाल रहे हैं। शाम होने को आई और अभी भी यात्रा श्री केदारनाथ धाम के लिए चल ही रही है, लेकिन मनमोहक दृश्य पास में ही है। दोस्तों श्री केदारनाथ धाम अब भी यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, लेकिन अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी और बारिश आ गई, इसलिए यहाँ पे एक कैंप व्यवस्था थी। अकेला मतलब थोड़ा आज का ये एडवेंचर भी होगा और आज की रात कैंप में गुजरेगी, ऊपर बारिश हो रही है। और बाकी इस कैंप की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा।